चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जिनेंद्र 29 नवंबर संडे स्पेशल झरोखा हम आपके पास लाए हैं कार्तिक चतुर्दशी के दिन। कहते हैं बस कल का दिन और कार्तिक का पावन महीना भी खत्म हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं आपसे कुछ 5-6 साल पहले ले चलते हैं आपको। आचार्य श्री का सागर की ओर विहार हो रहा था, ये दृश्य आप देख रहे हैं समय जो हमारे साथ 11 मार्च के हैं रेवती रेंज में, जब कहते हैं इंदौर के अंदर शिलान्यास की हुआ आचार्य श्री सत्संग के द्वारा, कहते हैं जैनों का अक्षरधाम बन रहा है यहाँ पर, उसके बारे में तो हम बात करते सागर में जाते हुए विहार की। आचार्य श्री जा रहे थे कि समाईक का समय हो गया, समाईक हो केशलोच हो वर्तमान के भगवान बिल्कुल उसमें जरा भी फर्क नहीं करते हैं, तुरंत वह होते हैं चाहे कोई भी कुछ भी हो। रास्ते में कहां समाई को यह नहीं देखते, चाहे सड़क हो जमीन हो पत्थर हो वह वहीं बस बैठ जाते हैं। अब आचार्य श्री ने देखा वहां शिला पड़ी है एक दुकान के सामने, वह उस शिला पर बैठकर समाई की और अनियत विहारी ने समय के बाद आगे विहार कर दिया। जब वह आगे चले चर्चा हुई बाजार में जैनियों के अंदर, पता चला कि आचार्य श्री ने एक शिला पर बैठकर समय की है। अरे वह जो चरण रथ के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं उनके लिए तो कहते हैं लॉटरी खुल गई, उनका चलो उस शिला को हम ले आते हैं अपने यहां। कुछ लोग गए तो सामने चाय की दुकान थी, उससे पूछा भैया ये हम शिला ले जाते हैं, उसने मना कर दिया। जैनों ने सोचा चलो कुछ पैसे देकर ले लेते हैं इसे, 5,000, 10,000, 15,000। चुप रहा, सोचा ये और चाहता है, कीमत बढ़ती गई 5 लाख तक का प्रस्ताव उस पर आ गया। लेकिन उसके बाद उसे चाय वाले ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, यहां पर बड़े बाबा हमारे भगवान ने बैठकर तपस्या की है, हम इस शिला को नहीं देंगे, आप कितनी मर्जी कीमत देना चाहें। उल्टे पांव लौट के आ गए जैन जितने श्रावक थे और उस अजैन चाय वाले ने उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उस पत्थर से ही मंदिर बनवा लिया और आज के दिन तक रोज वहां पूजा करता है। यह एक अजैन पर जैन संत का प्रभाव, आचार्य श्री विद्यासागर जी का इसी तरीके से चमत्कार अतिशय होता है। जगह जगह पर जहां चरण रज पड़ जाती है हर जगह अतिशय हो जाता है। और हम रेवती रेंज की बात करें जहां की दृश्य देख रहे हैं आचार्य श्री के संबोधन के, 5 मार्च को यहां प्रवेश किया आचार्य श्री ने सत्संग के साथ और पूरा 32 का संघ यात्री निवास में ठहरा जो अभी अभी बन के तैयार हुआ था, कहते हैं वह भी पावन हो गया। वो क्योंकि इतना पावन हो गया, शायद इंदौर की धरा का यह सौभाग्य था, इस जगह का इतना पुण्य वर्धन जोर कर रहा था कि 5 मार्च से लेकर अक्टूबर मध्य तक आचार्य श्री यहीं पर ठहरे यात्री निवास के अंदर। कहते हैं जो करोड़ों में बना 2 मंजिला यात्री निवास वह अब खरबों रुपए का अमूल्य हो गया था। लेकिन आचार्य श्री जब अक्टूबर के मध्य वहां से निकले उसके पीछे कमेटी ने उसको तोड़ दिया गया। 27.5 एकड़ में फैले रेवती रांच के अंदर यह जो बना था नवनिर्मित करोड़ों की लागत से 32 कमरों का दिवस, उसको तोड़कर धाराशाही कर दिया, नेस्तनाबूत कर दिया गया। एक तरफ पत्थर पर शिला पर उसको पूजा जाता है, एक अजैन उसको पूजता है भगवान के रूप में, और जैन जो व्याकुल रहते ना चरण रज पाने के लिए उनके दान से बनाई है, आज एकदम तोड़ दिया गया। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसको कहते हैं ये कहां हमारी मति खराब हुई थी या हमारी कहां गलती हुई थी, कहां योजना खराब हुई थी, इसी की एक रिपोर्ट आपके सामने। रेवती रेंज का यात्री निवास जहां 7 माह आचार्य श्री ने तप किया, तपस्या की, साधना की, त्याग किया, सब कुछ किया, जो अमूल्य हो गई धरोहर उसको क्यों तोड़ दिया उनके जाते जाते ही। यही है इंदौर का रेवती रेंज स्थित तीर्थोदय धाम, जहां 27.5 एकड़ का विशाल भूखंड दयोदय फाउंडेशन के जीव दया की भावना से प्रेरित होकर खरीदा गया। यहीं पर 225 फीट ऊंचा सर्वतोभृत जिनालय और 126 फीट ऊंचा सहस्त्रकूट जिनालय बनाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा बन चुकी है। इसके साथ ही संत निवास, बालिकाओं के लिए छात्रावास सहित कई निर्माण कार्य किए जाएंगे। 11 मार्च को इसी सूचना के आधार पर आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में यहां पर भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, इस पोस्टर के अनुसार जो हुआ था। और फिर 5 मार्च से कहते हैं अक्टूबर के मध्य तक पूरे संघ के साथ आचार्य श्री ने प्रवास किया, संभवतः इससे लंबा प्रवास एक ही स्थान पर शायद पहले कभी नहीं हुआ। कितनी पावन हो गई होगी यह रेवती रेंज की धरा और 32 कमरों वाला यात्री निवास। पर जैसे ही आचार्य श्री ने अक्टूबर के मध्य में यहां से विहार किया तो इस पावन हो गए यात्री निवास को तोड़ दिया गया।
इतना पावन और करोड़ों के दान से अभी हाल में बना और कर दिया गया तुरंत जमीदोज नेस्तनाबूद। चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में कई ट्रस्टियों से बात करने की पिछले दो दिनों में कई बार कोशिश की, परंतु संजय मैक्स जी, संजीव जैन जी, सचिन जैन जी आदि के नंबरों पर घंटियां बजती रही। हाँ, राजेंद्र वैद्य वास्तु जी ने जरूर बात की और कहा कि कहीं ना कहीं योजना बनाने में चूक हो गई। मंदिर के चारों तोर परिसर के से यह यात्री निवास बिल्कुल निकट था, यानी दोनों के बीच में 4-5 फुट की दूरी थी केवल। लोगों के मूत्रादि करते यात्री निवास के पास तो वह मंदिर के लिए अशोभनीय हो जाता, इसीलिए इसको तोड़ना पड़ा। पर प्रश्न जस का तस है, करोड़ों का दान समाज ने दिया, आचार्य श्री सिसंग का यहां पर 7 माह संघ के साथ प्रवास जिस जगह हुआ उसका उनके जाते ही तोड़ देना कई चर्चाओं का अब समाज में विषय बन चुका है। बाजार में अनेक बातें आ रही हैं, पहली बार 27.5 एकड़ की जगह में जरा थोड़ा हटकर निर्माण नहीं हो सकता था क्या? दूसरा, अभी हाल में ही बने इस यात्री निवास और जिनाले की योजना को बनाते समय क्या लापरवाही नहीं बरती गई? मास्टर प्लान में चूक का जिम्मेदार कौन है? कुछ तो यह भी कह रहे हैं वास्तु दोष के नाम पर गिराया गया, कोई खुलकर नहीं बोल रहा, ना कोई स्पष्टीकरण देने के लिए सामने आ रहा है, ना तोड़ने से पहले ना तोड़ने के बाद। पर इतना जरूर है, जहां वर्तमान के भगवान के चरणों से जो स्थान पावन हो जाता है, करोड़ों से बनकर तैयार हो, उसको तोड़ना दानवीरों के हृदय पर चोट है। जिम्मेदार कौन? पहले आचार्य श्री के प्रवास के दौरान यहां कोरोना फैलने के लिए और अब आचार्य श्री के चरण से पावन हुई जगह को तोड़ने के लिए। अगली खबर, तीसरी बार मां नर्मदा नाभि तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश आचार्य श्री का, 3 दिन तक धुलती रही सड़कें। यहां अब आप दो दृश्य देख रहे हैं, 5 जनवरी को इंदौर में हुए आचार्य श्री सत्संग के प्रवेश के ऐतिहासिक जो प्रवेश था, और अब 27 नवंबर को मां नर्मदा नाभि तीर्थ क्षेत्र में जब कोरोना के चलते पूरी सावधानी से प्रवेश हुआ। आचार्य श्री यहां तीसरी बार पहुंचे हैं, 1999 में गोमटगिरी से, 2014 में विदिशा से, और अब 27 नवंबर को इंदौर से। सचमुच यहां के श्रावकों का यह बहुत ही पुण्य है। आचार्य श्री ने जब प्रवेश कर रहे थे उससे 3 दिन से पहले आचार्य श्री के आगमन के लिए नगर के आंतरिक और मुख्य मार्ग को पानी से धुलवाकर सफाई की गई। पूरे नेमावर में खुशियां छा गई हैं। मुनि श्री सुमित्र सागर जी महाराज की कल शनिवार 28 नवंबर को प्रातः 8:02 पर सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में आचार्य श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में यम संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांदे महालक्ष्मी की ओर से हार्दिक विनयांजलि। अगली खबर, सबसे कठिन व्रत से साधना। यहां आप दृश्य देख रहे हैं मुनि श्री आराध्य सागर जी के 26 नवंबर को हुए पारणा के। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य के रूप में इन्होंने पंचम काल में कठिन तपस्या का मिसाल पेश की है। 18 अप्रैल से इस कठिन सिंह निष्क्रिय व्रत के अंतर्गत 557 दिन में 496 दिन उपवास होंगे और केवल 61 पारणा, जिसमें यह 22वीं पारणा थी। व्रतों का यह सिलसिला 23 अक्टूबर 2021 को पूरा होगा। मुनि श्री आराध्य सागर जी ने 8 नवंबर 2011 को दीक्षा ली थी और अब तक लगभग 1150 उपवास कर चुके हैं। भिलाई में 80 दिन का उपवास में 60 दिन का उपवास था। इंदौर में 119 दिन में 100 दिन का उपवास। बासी महाराष्ट्र में 146 दिन में 153 दिन उपवास। पिछले वर्ष भिंड चतुर्मास में 108 उपवास किए और अब 200 उपवास हो चुके हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांदे महालक्ष्मी मुनिषि का बारंबार वंदन करता है। अगली खबर, पावन कार्तिक माह के अंतिम दिन 30 नवंबर को तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी का जन्म कल्याणक। पावन कार्तिक महीने का अंतिम दिन है पूर्णिमा और नवंबर माह का भी अंतिम दिन 30 नवंबर। इसी दिन श्रावस्ती नगरी में महाराजा जितारी की महारानी सुसेना के जन्म हुआ तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी का, और अन्य तीर्थंकर रहे सौ धर्मेंद्र की आज्ञा से इनके महल पर करोड़ों रत्नों की वर्षा करता रहा कुबेर 15 माह तक। आपका कद
400 धनुष यानी 1600 हाथ का था। आयु थी 60 लाख वर्ष पूर्व, और एक पूर्व होता है 84 लाख वर्ष, यानी आयु 60 लाख गुणा 84 लाख, कुल 5040 लाख वर्ष की। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के 10 लाख कोटि सागर बीत जाने के बाद आपका जन्म हुआ। बोलिए तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान की जय। अगली खबर, सराकों के लिए मुनि वीर सागर जी का आगमन। आचार्य श्री सन्मति सागर जी दक्षिण के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी संग रांची से सराक क्षेत्रों में विहार कर रहे हैं इस समय, जिनमें खूंटी, रांची, पुरलिया, जमशेदपुर, पाकुड़ा, वर्धमान जिले के सराक बंधु उस पर अग्रसर हो सकेंगे जिस पथ पर जिसको आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने 28 वर्ष तक प्रज्वलित रखा, और अब अन्य संत यहाँ इस जागृति और विकास के लिए उस गाथा को आगे बढ़ाना होगा। अगली खबर, 5 और को दिए नए मकान। गत वर्ष दक्षिण में जो महाप्रलयंकारी बाढ़ आई थी उसमें अनेक के मकान बह गए, नष्ट हो गए। 191 गरीब परिवारों को मुनिश्री प्रमाण सागर जी व मुनिश्री अक्षय सागर जी की प्रेरणा से अनेक संस्थाएं घर निर्माण में आगे आ रही हैं। इनमें भारतवर्षीय जैन तीर्थ कमेटी ने 45 परिवारों के लिए घर निर्माण में सहयोग दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के दानोली में अमोल पारान, सांगली के तुंग में बाहुबली बिरनाले, कर्नाटक के बेलगांव में भोज में राजगोंडा पाटिल और नेमगोंडा पाटिल, जुगल में श्रीमती मालुताई मगदुम को परिवारों को नए घरों में प्रवेश किया। यहाँ आपने उनके पुराने और नए घरों के चित्र देख रहे हैं आप। चैनल महालक्ष्मी व सांधे महालक्ष्मी तीर्थ क्षेत्र कमेटी सहित सभी दानदाताओं के सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व मंगल कामनाएं देता है। और यह प्रतिमा देख रहे हैं आप आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण की, उन्हीं के जन्मस्थली पर यानी कर्नाटक के बेलगांव जिले के भोज गांव से शांतिपुरम तीर्थ में। जय हो। सर्दी कड़कती शुरू हो चुकी है, चतुर्मासों का निष्ठापन हो चुका है, अब संतों का विहार अगले अगले पड़ाव के लिए शीतकालीन प्रवास के लिए बदस्तूर जारी हो गए हैं। कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, लॉकडाउन जरूर खुल गया है। ऐसे समय में हम श्रावकों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी डबल हो जाती है। सड़कों पर विहार सुरक्षित हो, क्योंकि कई दुर्घटनाओं की शिकायतें मिलनी शुरू भी हो चुकी हैं। और दूसरा, कोरोना का जो महामारी का वार है उससे बचा रह जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमें जरूर रखने हैं, ये 2 गज की दूरी मजबूरी नहीं है, आवश्यक है। जरूर ध्यान रहे, संतों के विहार में हमें डबल सुरक्षा कवच रखना होगा। और फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, आपके साथ सादर जय जिनेन्द्र। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपनी पसंद से, लाइक करें तो लाइक करिए, आपकी इच्छा है।